हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं, सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। आज का वीडियो होने वाला है एक हॉल वीडियो। ये कलेक्टिव हॉल वीडियो है। ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने अलग अलग वेबसाइट से, कुछ नायका से, कुछ पैक कॉस्मेटिक की वेबसाइट से और कुछ डेली फॉरएवर की वेबसाइट से परचेज़ किए हैं, कुछ अमेजोन से भी परचेज़ किए हैं। तो ये एक कलेक्टिव काइंड ऑफ हॉल वीडियो है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी गाइस कि इन प्रोडक्ट्स को मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में परचेज़ किया है। इन्हें मैंने वन गो में परचेज़ नहीं किया है। नायका पर कोई ना कोई सेल चलता ही रहता है, कभी पिंक फ्राइडे सेल, कभी वैलेंटाइंस डे का सेल था, फिर रिपब्लिक डे का सेल था। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें उन्हीं सेल से परचेज़ की हैं। इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनमें से कुछ को मैं ऑलरेडी अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, और कुछ बिल्कुल नए हैं जिन्हें मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई हैव लॉट ऑफ स्टफ, यू कैन सी। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इस हॉल का मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट दिखाऊंगी। ये है डेली फॉरएवर 52 के स्टारडस्ट लूज ग्लिटर्स। इन्हें मैंने डेली फॉरएवर 52 की वेबसाइट से ही परचेज़ किया था। ये आई थिंक 16th of March को लॉन्च हुए थे। उस दिन इन पर 15% ऑफ था। मैं सभी प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना, और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग। ये ग्लिटर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इन्हें फॉरएवर 52 की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में चेक किया था, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, काफ़ी फाइन ग्लिटर्स हैं ये। बट इनको अप्लाई करने के लिए आपको डेफिनेटली किसी ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत है या ग्लिटर प्राइमर की ज़रूरत है। तो फॉरएवर 52 ने ग्लिटर प्राइमर भी इसके साथ लॉन्च किया था, बट मैं ऑलरेडी परचेज कर चुकी थी पैक का ग्लिटर प्राइमर, तो इसलिए मैंने फॉरएवर 52 का ग्लिटर प्राइमर परचेज नहीं किया। एंड आई एम यूजिंग दिस मच। दिस इज अ स्टिकी कंसिस्टेंसी लाइक ग्लू, ऑफ कोर्स दिस इज ग्लिटर प्राइमर तो ये स्टिकी तो होगा ही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये शेड है गोल्ड ग्लोबल। एंड दिस कलर इज सो गुड गाइज। अगर आप कोई भी ब्राउन स्मोकी या ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो यू कैन सी। एंड अदर वन इज यूनिकॉर्न एंड दिस इज माई फेवरेट। यू कैन सी कि ये एक लाइट पिंक कलर है और ये एक इरिडिसेंट शेड है। मैंने इस तरह का ग्लिटर में कलर कभी नहीं देखा है। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। आई विल लव टू डू आई मेकअप विद दिस पर्टिकुलर ग्लिटर। लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप इसके साथ एक आई लुक देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, मैंने पैक कॉस्मेटिक्स के ही कुछ प्रोडक्ट्स और परचेज़ किए हैं। सबसे पहले मैं वही दिखा देती हूँ। ऑफकोर्स पैक कॉस्मेटिक्स का कोई भी हॉल हो और लैशेज नहीं हो ये तो पॉसिबल नहीं है। दीज आर द फॉल्सेस जो मैंने परचेज़ किए हैं पैक कॉस्मेटिक्स .com से। ये मिंक लैशेज हैं, इन्हें आप आईज़ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल दिखती हैं। 10 से 15 बार ये आराम से यूज़ हो जाती हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पैक के फॉल्सेस हैं। नेक्स्ट, मैंने परचेज़ किया है पैक का मेकअप फिक्सर। पैक के प्रोडक्ट्स हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं और आज मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करते वक्त इसे ट्राई किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा मिस्ट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। दिस इज़ सो गुड। और मेकअप को इसने इतना अच्छे से मेल्ट डाउन किया है, बिल्कुल पाउडरीनेस ख़त्म हो गई है और मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे परचेज़ किया। नेक्स्ट, मैंने purple.com से भी एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था। ये है गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल। मैं ऑलरेडी पैक कॉस्मेटिक्स का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही थी, दैट वाज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। बट वो थोड़ा प्राइसी साइड पर है। मैंने सोचा मैं क्यों ना कुछ अफोर्डेबल फेशियल ऑयल भी यूज़ करूं, और मैंने इसे यूज़ भी किया है काफ़ी बार अपने ट्यूटोरियल्स में। दिस इज़ एन ओके प्रोडक्ट। मुझे पैक कॉस्मेटिक्स जितना तो अच्छा नहीं लगा डेफिनेटली, बिकॉज प्राइस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बट ठीक है, ओकेश है, क्योंकि विंटर्स थे तो फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा। फाउंडेशन के नीचे मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ।
यू कैन यूज़ इट. अगर मैं प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ठीक ठाक काम करता है. तो यू कैन ट्राई दिस वन बिकॉज दिस इज़ सो अफोर्डेबल और इसकी क्वांटिटी है 10 ml. और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है लॉरियल इनफॉलिएबल प्रो मैट पाउडर. वैसे तो मैं अपना फाउंडेशन लूज पाउडर से ही सेट करती हूँ बट ट्रैवलिंग में कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा ईजी रहता है सो इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया. और मैंने इसे परचेज़ किया है इन द शेड 300 न्यूड बेज और ये परफेक्ट है मेरी स्किन टोन के लिए. एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं. और नेक्स्ट आई हैव बॉट 2 ब्लशेस. पहले मैंने परचेज़ किया है ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्लश इन द शेड 04 सलमान सुपरस्टार और ये एक मैट ब्लश है. ये कलर बहुत ही अच्छा है मेरी स्किन टोन पर, थोड़ा सा डार्क लगता है, पिगमेंटेड भी काफ़ी अच्छा है बट मैं इसे बहुत ही स्पैरिंगली यूज़ करती हूँ. ये मुझे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है रस्ट और मॉव ब्लश का. अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तब भी ये आपके ऊपर ज़रूर दिखेगा. काफ़ी अच्छा ब्लश है, पाउडरी नहीं लगता है, स्मूथली ब्लेंड हो जाता है. मुझे ये प्रोडक्ट भी काफ़ी पसंद आया. मेरे पास इस तरह का कोई भी ब्लश नहीं था इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया. और सेकंड ब्लश मैंने परचेज़ किया है कलर बार का और आप देख सकते हैं कि इसका लिड जो है मैंने तोड़ दिया है, मेरे हाथ से छूट गया था इसलिए ये टूट गया. मुझे इसकी पैकेजिंग ही बिल्कुल पसंद नहीं आई है. इसका MRP था अराउंड 675 और इसकी पैकेजिंग देखो इतना फ्लिमजी है इसका लिड कि एक बार गिरने से ही ये टूट गया. मुझे लगा था कि कहीं ब्लश ही ना टूट जाए. मैंने इसे वैसे सेल में परचेज़ किया था, मुझे ये अराउंड 500 का पड़ा था. तो इसका शेड नेम है 016 स्वीट स्कारलेट और ये कलर भी बहुत अच्छा है. अगर कभी वार्म टोन्स में मेकअप करना हो तो ये ब्लश बहुत ही अच्छा है. अगेन काफ़ी स्मूथली ब्लेंड होता है और मैट फॉर्मूला है ये. अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तब भी ये शेड आपके ऊपर दिखेगा. यू कैन टोटली गिव इट अ ट्राई. एक और प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया वो है स्विस ब्यूटी का फॉयल पिगमेंट इन द शेड 03. ये एक परफेक्ट कोबाल्ट ब्लू कलर है. इस पिगमेंट को यूज़ करके मैंने एक ब्लू आई मेकअप का एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं. दैट वॉज सो गुड गाइज, बहुत ही सुंदर कलर है, मेरा ब्लू कलर फेवरेट है और इस तरह का ब्लू मुझे बहुत ही पसंद है. और काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये, अराउंड 200 आई थिंक इसकी MRP है, लेकिन ईजीली 125-150 में मिल जाता है और काफ़ी अच्छे, इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है. तो यू कैन चेक दिस ऑल्सो. नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये वेट एंड वाइल्ड का आई पेंसिल इन द शेड कॉलिंग योर बफ. ये मैंने एक न्यूड कलर समझ के आई पेंसिल लिया था बट दिस वॉज लाइक पीच कलर और ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड है, मतलब स्मूथ नहीं है ये लगाने में. यू कैन सी द कलर, ये पीच कलर लगता है, न्यूड कलर नहीं दिखता है ये. और इसको मैंने कई बार शार्प भी किया, मुझे लगा कि इसका जो ऊपर का जो बाहर है पोर्शन वो शायद ड्राई हो गया है तो शार्प करके शायद यूज़ होगा. लग जाता है, दिखता है. यू कैन सी कि मैंने आज इसे ही अप्लाई किया है बट थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वाटरी हैं तो बार बार ऐसे ऐसे करने से क्या होता है कि मेरे वाटरी हो जाती हैं आइज़ और ये उतना स्टे भी नहीं करता है. और वैसे ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक अराउंड 100 या 120 रुपीज़ का है बट मुझे लगता है कि जब प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा तो 100 या 120 का फिर क्या करें. नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं 3 lip liners. 2 lip liners मैंने नायका के लिप्स डोंट लाई रेंज से परचेज़ किए हैं और ये थर्ड वन इज़ फ्रॉम कीको मिलानो. नायका के लिप लाइनर्स का स्वॉच मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ. दिस शेड इज़ पिलो फाइट. दिस इज़ परफेक्ट पीची न्यूड कलर जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी स्किन टोन पर ये बहुत ही अच्छा लगता है.
एंड द सेकेंड वन इज डर्टी सीक्रेट्स. दिस इज अ लिटल बिट ऑफ पिंक. यू कैन सी कि इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है ये थोड़ा पिंकी न्यूड है और ये पीची न्यूड है. दिस इज पिलो फाइट एंड दिस इज डर्टी सीक्रेट. एंड द थर्ड वन इज कीको मिलानो और इसका शेड है 534. मुझे स्वॉच करना नहीं आता गाइज, आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम हॉल वीडियो क्रिएट कर रही हूँ. एंड दिस इज ब्राउनी न्यूड कलर. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो ये आपके लिए परफेक्ट न्यूड है. नेक्स्ट आई हैव बॉट टू लिक्विड आई लाइनर्स. फर्स्ट वन इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड H2O प्रूफ लिक्विड आई लाइनर. ये आई लाइनर बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है क्योंकि समर्स आ रहे हैं आगे, काफ़ी स्मूथली लग जाता है. बट ये पूरा मैट नहीं है, इसमें थोड़ी सी शीन है जो कि मुझे नहीं पसंद. मुझे मेरे आई लाइनर्स मैट ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट उतना ज़्यादा शीन नहीं दिखता है. यू कैन सी कि आज मैंने यही अप्लाई किया है तो काफ़ी अच्छा है, जेट ब्लैक है. सो दिस इज़ गुड, यूज़ कर सकती हूँ मैं इसे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदो और वो अच्छा नहीं आए तो मूड बहुत ख़राब हो जाता है. ऐसा ही कुछ इस लिक्विड लाइनर के साथ हुआ. ये स्टे क्वर्की का लिक्विड आईलाइनर है. जब मैंने ये फेशियल ऑयल परचेज़ किया था गुड वाइब्स का तो उसके साथ ही मैंने purple.com से ये स्टे क्वर्की का आईलाइनर भी परचेज़ किया था. ये काफ़ी अफोर्डेबल था, आई थिंक अराउंड 150 था. बट ये फॉर्मूला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इसका टिप जो है ये ब्रश टिप है बट इसका फॉर्मूला इतना बेकार है. जब इसको हम आइस पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आँखों पे क्या इतना हैवी हैवी लगाया हुआ है कि फील होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा स्टिफ़ चीज़ लगाई हुई है और आइस को ब्लिंक करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ जेट ब्लैक बट दिस फॉर्मूला इज़ नॉट सो गुड. बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता लगा ये. मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, सिर्फ एक दो बार ही इसे मैंने ट्राई करने के लिए यूज़ किया है और उसके बाद से ये ऐसे ही है. मैंने मुझे ये फॉर्मूला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. कलर ठीक है बट दिस इज़ बिग नो. नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिपस्टिक्स जो कि सभी का फेवरेट है. मैंने अलग अलग ब्रांड की अलग अलग रेंज में परचेज़ की हैं, सभी बोल्ड हैं. न्यूड्स मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे न्यूड्स कलर हो गए थे. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फेवरेट नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक. ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है. अगर आपको ड्राई मैट लिप्स पसंद नहीं है तो डेफिनेटली इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हैं. स्टे भी करती है और अनकंफर्टेबल भी नहीं लगती है. मैट फिनिश है और एक बार सेट हो गई तो उसके बाद कहीं नहीं जाएगी जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे किसी भी ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर से. मैंने जो शेड परचेज़ किया है वो है नंबर 14 शेड और शेयर. आई डोंट नो कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. यू कैन सी द शेड नंबर. इस शेड को मैंने आज अप्लाई किया है. इट्स अ वेरी गुड पिंक कलर जो कि बहुत ज़्यादा नियॉन नहीं है. इसमें सभी स्किन टोन्स पर ये बहुत अच्छा लगेगा. तो मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगा और ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट लिपस्टिक भी नायका से ही है. ये लिक्विड फॉर्मूला है और इसका शेड नंबर है 13 मुमताज़. यू कैन सी कि दिस इज़ द परफेक्ट रेड और इसकी अंडरटोन जो है ऑरेंज है. ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, मैट फिनिश है, ड्राई आउट नहीं करता है लिप्स को और स्टे भी करता है. इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं. आप डेफिनेटली इस फॉर्मूला को भी ट्राई कर सकते हैं. थर्ड लिपस्टिक है मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक. फॉर्मूला बहुत ही लाइट वेट है और लगाने में भी बहुत इजी है. इसका वॉन्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है. इसके वॉन्ड में एक इस तरह का टिप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसमें लिप लाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना इजीली जो है लिप लाइन भी हो जाता है और
फिलअप भी हो जाता है, बहुत अच्छा है ये। आपको इसे ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करना पड़ेगा तभी ये उतरेगा। और मैंने इसमें शेड जो परचेज़ किया है वो है 135 ग्लोब ट्रॉटर। मुझे ये शेड बहुत ही पसंद है, एकदम वार्म टोन का रस्टी ब्राउन कलर है। यू कैन सी कि ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, सभी स्किन टोन्स पर अच्छा लगेगा। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये फेसेस कैनेडा का प्रो मैट लिपस्टिक। इसमें मैंने जो शेड परचेज़ किया है वो है स्कैंडलस 13 और ये एक बर्गेंडी कलर है। यू कैन सी कि एक परफेक्ट मरूनिश बर्गेंडी कलर है। इससे मैंने अपने एक बर्गेंडी मेकअप लुक में भी अप्लाई किया था एंड इट वॉज लुकिंग सो स्टनिंग। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये भी स्टे करता है, मैट है और इसे भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव बॉट और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए एक दो प्रोडक्ट्स के अलावा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल इन द सेंस कि अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि मुझ पर कैसे दिख रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ख़रीदना है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, बाय बाय।